महाराष्ट्र में, तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहां भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं है सबको, उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे, जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है, जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया वही, उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी से हैं, उनको इसका फायदा होगा, ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू की है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहां एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जाति जनगणना कर रहे हैं। ये जाति जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी खेती है, उस समाज में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं, कितने प्राइवेट में नौकरियां हैं, ये सब चीजों को हम मालूम कर लेने करने के बाद हम लोग इनको क्या सहूलत दे सकते हैं सरकार की ओर से, और उनको जो समाज में ऊपर लाने के लिए हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं, ये उसका असल मुद्दा है। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा रहे हैं, हमको आप कहते हो ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, कांग्रेस सॉरी इस देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। देखो, आदिवासी को हमने बनाया, इसलिए बनाया, देश में जाति के नाम पे तुम वोटों के लिए लिया, उनको देना इस हिसाब से नहीं लिया। इससे पहले मैं दलितों को दिया, इसीलिए वोट मांग रहे हो, दलितों को दिया। देखो, मैं कभी भी ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पार्टी की अगर आइडियोलॉजी है देने का, दे दो, लेकिन उनका बात करके पब्लिक मीटिंग में बोलना हम ये चीजें किए हैं इसीलिए हमको वोट दो बोलना, ये संविधान के तहत एक और देश के गरीब जनता के खिलाफ ये एक गद्दारी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बनाए ठीक है,
क्या कोई आपको बोलता है इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे थेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से आया? नहीं बोलेंगे। थेली हमारे भी है, थेली उनके भी है। हर समाज में बीजेपी में है, हर समाज के लोग कांग्रेस में है, हर समाज के लोग हमारे उद्धव ठाकरे जी के साथ है, हर समाज के लोग शरद पवार जी के साथ है। हम कभी नहीं बोले उसको डिस्क्रिमिनेट करके ये, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम अगर आप बनाने का है तो बोलिए, कार्यक्रम के लिए बोलिए। और मैं पूछता हूं, इतना भारी आप बताते हो राष्ट्रपति, हम द्रौपदी मुर्मू जी को किए, फलाने को किए, कितने एससी एसटी लोगों को आप इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उस तुम्हारे सरकार में आप बिठाए? सबको स्टेट मिनिस्टर या कुछ पावर नहीं है, कोई कैबिनेट है तो डमी। तो ऐसे लोग अगर बाहर बोलते हैं, वही कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट था, सब पार्टी के नेता बड़े बड़े पोजीशन पे थे, होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, यहां मैं रेलवे मिनिस्टर था, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जो उनका पेट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप देखिए, हर एक को, मीरा कुमारी थी स्पीकर, पहली महिला, और बहुत से नेता दलितों में, बैकवर्ड्स में, बड़े मुद्दे में और पावरफुल थे। यहां अपने साथ फिरने वालों को, पाप विचारों को लेकर संख्या दिखा रहे हैं आप, मैंने ये बनाया, वो बनाया, वो एक, और महा विकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए अगले 100 दिनों का मसौदा यहां पर हम रख रहे हैं, उसमें महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपए होगा। इससे घरेलू आर्थिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करेंगे, 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी, उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी, इसमें रोजगार पैदा करने के साथ श्रमिकों के कल्याण पर हमारा फोकस होगा। हम तत्काल 2.5 लाख खाली पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब्स को भरने की महाराष्ट्र स्टेट एमपीएससी एग्जाम प्रोसेस आरंभ करेंगे। एडवांस शेड्यूल्स और 45 दिनों के भीतर उसका रिजल्ट भी लाने का काम हम करेंगे। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सभी 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं हो सके, इसीलिए इसका कारण ये है कि अच्छा गवर्नेंस नहीं है, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक तरीके से जो करने का ये है, यानी गवर्नेंस, वो उससे आज हम पीछे हैं। हम लोग लोकतंत्र और जवाबदेही तय करने के तत्काल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनावों के लिए टाइम टेबल की घोषणा करेंगे। भारत रत्न
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की लीगेसी को सम्मान देते हुए हम कार्य योजना लागू करेंगे। बिना किसी देरी के चैत्य भूमि दादर इंदू मिल में बाबा साहब अंबेडकर स्मारक बनाने का काम हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस अपना होगा। एमवी के निर्णय महाराष्ट्र के एक समृद्ध राज्य और पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट स्थापित करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। और मिशन 2030 के तहत समृद्ध और समावेशी महाराष्ट्र के भविष्य के लिए हम कई अहम कदम उठा रहे हैं। 2030 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 400वीं जयंती होगी। उनके पीपल फर्स्ट अप्रोच को जनता की सेवा में इस्तेमाल करना ही शिवाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम ये नहीं करेंगे कि उद्घाटन के लिए स्टैच्यू बिठाए, उद्घाटन करके वो दिल्ली पहुंचे, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई, क्योंकि या बनाने वाले अच्छे नहीं थे, एक अच्छा मटेरियल नहीं यूज किया, इसकी बगैर कुछ देखे बिना उनके क्वालिटी वर्क्स क्वालिटी इंजीनियर्स रहते हैं। लेकिन अगर अपमान किसी ने शिवाजी महाराज का किया है वो मोदी जी ने किया, और खुद मोदी दूसरों के लिए कहते हैं शिवाजी महाराज की उन्होंने जो संभाला देश को, हाँ भाई संभाला, लेकिन आपको किसी ने कहा उनका इंसल्ट करो? तो ये काम मोदी जी हमेशा करते हैं। क्या है कि उनका हाथ गुण अच्छा है कैसा है मुझे मालूम है, लोग बोलते हैं कहा भी हाथ लगा है वो गिर जाता है। शिवाजी के पुतले को हाथ लगा के उद्घाटन करके गिर गया, राम मंदिर को हाथ लगाया वहां पर टपक रहा है पानी, और पार्लियामेंट को हाथ लगाया मैंने किया, ठीक है भाई आपने किया, लेकिन टपने का काम क्यों किया, टपकाने का पानी। अब वो बोल रहा है महंत वहां का, नहीं मैं पत्थर वो सब चेंज करके मुझे लगाना पड़ रहा है। तो राम मंदिर अयोध्या में, और दूसरा ये मुरवा में भी उद्घाटन करने वाले थे, उससे पहले वो भी कोलैप्स हो गया। इनके पांव गिरते ही हर जगह कोलैप्स हो रहे। बुलेट ट्रेन आपके लिए साहब, हमारे लिए नहीं, हो बॉम्बे से अहमदाबाद आप पहुंचने के लिए, और मोदी के क्रिकेट स्टेडियम में आप क्रिकेट देखने के लिए वो बुलेट ट्रेन किया था आपको। वो बुलेट ट्रेन का पहले तो बोला मैं 3 साल में बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलाऊंगा। कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। कहा है तुम्हारी बुलेट ट्रेन? खत्म हो गई। और वो खत्म हो गई तो वो पुल भी गिर गया, खंबे भी गिर गए 2 दिन। तो ऐसे झूठ के ऊपर झूठ बोलने वाले, क्वालिटी वर्क नहीं, हमने इतने रोड बनाए इतने पुल बनाए, भाई झांक के तो देखो कम से कम वो क्वालिटी है। तो ये मोदी जी का हाथ गुण है। और हम महिला उद्यमियों के लिए एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल जोन्स स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं को 5 लाख तक लो इंटरेस्ट लोन की मदद की जाएगी। महाराष्ट्र में प्याज टमाटर किसानों की सुरक्षा के लिए हम गुलाबी और केसरिया क्रांति योजना शुरू करेंगे।
हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.25 मिलियन नौकरियां सुसज्जित करने के साथ उद्योग में 12%, सर्विस सेक्टर में 15% की वृद्धि हम हासिल करना है, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे महाराष्ट्र प्रति व्यक्ति आय और शीर्ष स्थापना पर पहुंचना जाएगा। हम सरकारी सेवा में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के आदेश को समाप्त करेंगे। डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक इंसान को खाता है ना, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अपना घर चला सकता है, घर का भाड़ा नहीं दे सकता, और उससे काम भी आप उतना ही लेते हैं जितना परमानेंट वर्कर है, उसको क्यों आप परमानेंट नहीं कर रहे। और बैकलॉग वैकेंसीज अभी भी यहां 1,25,000 ऐसा मैं सुना, 1,00,000 या 2,00,000 कुछ होंगे। हम आने के बाद तो हम जरूर भरेंगे, लेकिन उन्होंने वो जो हाथ में है वो नहीं किए। लेकिन अभी आज अपने होम मिनिस्टर ने मैनिफेस्टो अपना रिलीज करते वक्त बोला, हम 5,00,000 नौकरियां हर साल है। कौन रोके भाई, सेंटर में आप है, स्टेट में चोरी की गवर्नमेंट है, आपको रोका कौन है? आप बैकलॉग कब होते हैं? आप रिक्रूट नहीं करते तभी होते हैं, और रिक्रूटमेंट नहीं करे इसकी एक किसी गलती है, ये यहां के सरकार की। और बार बार आप बोलते रहते हो कि डबल इंजन सरकार, अरे डबल इंजन सरकार तो डिरेल हो गई है, वो पटरी पे ही नहीं आ रहे। पटरी पे लाएंगे महाविकास आघाड़ी के लोग, और इस मुंबई को इसकी शान बान सब रेस्टोर हो जाएगा, फिर लोग इधर आकर्षित हो जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की धरोहर तथा उनकी विरासत और विजन को ध्यान में रखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉरिडोर बनाएंगे, जो उन सभी गांवों को जोड़ेगा जहां बाबा साहेब के कदम पड़े थे। ई महाराष्ट्र में यमवी का संकल्प भ्रष्टाचारी और अनैतिक सत्ता को हटाकर शिवा साहू फुले अम्बेडकर के आदर्शों पर नैतिक शासन की स्थापना करेंगे। इस चुनाव में महाराष्ट्र एक दोराहे पर खड़ा है, जहां पर राज्य का भविष्य तो बिल्कुल अलग दिशा में जा सकता है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति है, जो किसानों के आय दोगुनी करने में विफल रही।